नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस एस ऑटो केयर। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि डबल हॉर्न को कैसे इंस्टॉल किया जाता है बाइक में और उसके साथ रिले को कैसे कनेक्शन किया जाता है, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये डबल हॉर्न है, यहाँ पे ये बैटरी है 12 वोल्ट की और ये स्विच है और ये रिले है। इसकी कनेक्शन कैसे होगी मैं डायग्राम के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर बाइक पे डायरेक्ट हॉर्न के स्विच पे डबल हॉर्न हम लगा देते हैं तो डबल हॉर्न का लोड सीधा एक स्विच पे पड़ता है, वहीं पे हम रिले लगा देंगे तो केवल रिले का जो हमारा थोड़ा सा जो लोड है वो केवल स्विच पे पड़ेगा और रिले से डायरेक्ट दो हॉर्न आसानी से चल पाता है। तो चलिए हम इसको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसका कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले दोनों हॉर्न का निगेटिव हम एक करेंगे, तो यहाँ से हम निगेटिव ले लेते हैं। ये निगेटिव हमने एक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल कर ये सीधा हम बैटरी के पास ले जाएंगे। और इस बैटरी के माइनस में हम लगा देंगे, यहाँ पे लगा दीजिए या बॉडी में आप टाइट कर सकते हैं यहाँ से जॉइंट करके, ठीक है। अब ये रिले में आप जानते हैं कि रिले का दो पॉइंट, एक तरफ का जो दो पॉइंट होता है वो रिले के कॉइल का होता है और दो होता है यहाँ से पॉइंट वापस निकलने के लिए, जिस पे हम ज़्यादा लोड डालते हैं वो पॉइंट एक होता है यहाँ पे। तो इस रिले के जो कॉइल का पॉइंट है इसमें हम निगेटिव एक यहाँ से जोड़कर यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ से जोड़ दिया और सीधा हम निगेटिव एक ले आएंगे यहाँ रिले के कॉइल में, ठीक है। ये रिले के कॉइल में एक निगेटिव आ गया। अब करना क्या है, ये जो बैटरी से प्लस हम लेंगे तो एक स्विच में सीधा प्लस हम देंगे, यहाँ से डायरेक्ट एक बैटरी से प्लस स्विच में जाएगा और यहाँ से समझ लीजिए ये मोटा वायर हम लेकर आएंगे, यहाँ पे ये मोटा वायर रहेगा और यहाँ से स्विच से निकलकर यहाँ सीधा रिले के कॉइल में एक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से ये जो मोटा वायर यहाँ से निकलेगा, ये मोटा वायर जाएगा यहाँ पे, तो एक हम रिले के पॉइंट में दे देंगे, ये मोटा वायर रहेगा, इसलिए मैं मोटा यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से ये पतला वायर भी जाएगा स्विच में तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो जिस पे लोड पड़ेगा उसका मोटा वायर हमें लगाना होगा। और यहाँ से जो हॉर्न का पॉजिटिव है इसको भी हम एक कर देंगे, यहाँ पे एक कर दिया। अब यहाँ से हम पॉजिटिव जोड़कर सीधा इस पॉइंट से हम रिले के पॉइंट से दूसरे पॉइंट से निकालेंगे यहाँ से और सीधा इसमें दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी कनेक्शन ऐसे ही होती है, इसकी कनेक्शन पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ से प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये करंट डायरेक्ट है और यहाँ से जब प्रेस करेंगे तो यहाँ से करंट छोड़ देगा इसके कॉइल में। और इस जैसे इस कॉइल को करंट छोड़ेगा और से ज़्यादा लगा हुआ है पॉइंट इसकी, और जैसे इसमें करंट छोड़ेगा तो इसका पॉइंट चालू होगा और इसके पॉइंट को एक तरफ दोनों को एक कर देगा, कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ से भी एक मोटा वायर कनेक्ट रहेगा, जैसे एक करेगा इसको कनेक्ट करेगा तो यहाँ से करंट निकलकर सीधा हॉर्न में चला जाएगा। तो जैसे स्विच हम ऑन करेंगे हॉर्न चलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।